यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ये होने वाली है हाउ टू यूज ऑल सेटिंग्स का एपिसोड 3। तो दोस्तों वीडियो एंड तक वॉच करना। जो भाई सेटिंग्स के बारे में फुलू जिनको लगता है भाई हम फुल जानते हैं उनके बारे में, जिन्होंने ओल्ड वीडियो देखी या फिर जो बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए पहली बात तो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ भाई लोग जिनको लगता है कि मुझे ओल्ड सेटिंग्स आती हैं, तो दोस्तों वो भी वीडियो फुल देखना, क्योंकि मैं फार्मिंग मोड में क्या वर्क अब की बार क्या मतलब चेंज होने वाला उसमें फार्मिंग मोड अपडेट में उसके बारे में डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अपन कस्टमाइड में जाते हैं भाई लोग। कमेंट्स आया था कि भाई व्हील्स में जाने के बाद इतनी सारी सेटिंग्स किस लिए हैं, क्या सजाने के लिए हैं? इनका दो का ही तो अपन यूज़ करते हैं सिर्फ, मतलब फ्रंट सस्पेंशन का और दोस्तों बैक सस्पेंशन का, जिससे ट्रैक्टर फंसे कहीं तो निकल जाए, ठीक है। जिन भाइयों ने ओल्ड मतलब एपिसोड नहीं देखे भाई वो जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से, तो बाकी क्या सजाने के लिए है? तो दोस्तों बाकी सजाने के लिए नहीं है, जैसे कि दोस्तों आगे से लुक चेक करो इस समय, ठीक है। आपको पता ही होगा जो ट्रैक्टर स्वराज से स्टंट करते हैं उसके अगले टायर थोड़े से फैल जाते हैं बाहर को। यदि आपको वो लुक पसंद है, क्योंकि कुछ भाइयों को वो लुक भी पसंद आती है स्वराज की, तो दोस्तों उसके लिए अपन कस्टमाइज में जाएंगे, व्हील्स में जाएंगे और यहाँ से फ्रंट चैम्बर को दोस्तों थोड़ा सा अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टायर देखो, बताओ कैसे लग रहे हैं। मुझे तो भाई लोग बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, आपको पता नहीं भाई लोग कि किसको कैसे लगे, क्योंकि इसको थोड़ा कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं, मतलब इतना कर सकते हैं, तो इतने पे तो नॉर्मल चल जाएंगे, मतलब इतने तो सही लग रहे हैं चलो फिर भी। और दोस्तों मॉन्स्टर ये कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, यदि अपन ये वाले देखेंगे तो दोस्तों ये कुछ कम लगेंगे, ठीक है। और दोस्तों यदि अपन बैक टायर भी ऐसे ही करना चाहते हैं, तो दोस्तों बैक टायर भी अपन वैसे ही कर सकते हैं, देख सकते हैं बैक टायरों का हाल, ठीक है। लेकिन लुक में एकदम बुरा हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और, आप इसको अंदर को ही नहीं नीचे वाले हिस्से को भी अंदर कर सकते हैं, रियर बैक को ऐसे कर दो तो दोस्तों ऊपर से फैल गया नीचे से अंदर हो गया, ठीक है। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं लुक किस कदर बिगड़ गई अपने ट्रैक्टर की। तो भाई लोगों कुछ ये सिस्टम है। और दोस्तों फ्रंट को भी मैं आपको अंदर करके दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। और दोस्तों ये जो ये बाकी सेटिंग्स हैं इनका काम है दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन में स्प्रिंग, जैसे कि अपन ठाकर देकर मारते हैं ट्रैक्टर को ऐसे, तो दोस्तों ट्रैक्टर हल्का सा नीचे झुकता, तो उसको अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इससे कि झुके या ना झुके, ठीक है। इस टाइप से कुछ, जैसे ऊपर से गिरे तो जंप ले या फिर ना ले, आपने देखा होगा कोई भी ट्रैक्टर हो रियल में या गेम में जंप मार के एक बार ऊपर जरूर जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी सेटिंग्स इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ओके, तो भाई लोग अपन नॉर्मल कर लेते हैं, अपन को तो नॉर्मल ही पसंद है, तो दोस्तों नॉर्मल ही कर देते हैं। नॉर्मल ही कर लिए, बम्पर हटाए थे, बम्पर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल बता रखा, बम्पर कैसे हटाना और कौन सा कैसे कैसे लगाना है, कितने बम्पर गेम में टोटल हैं, तो ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी से बता चुका हूँ। अब भाई लोग अब बात करते हैं भाई लोग ट्रैक्टर का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों ट्रैक्टर कलर्स के लिए आपको कलर सेटिंग में आ जाना होगा। जैसे कि आप ब्लू कलर का ट्रैक्टर चला चला के बोर हो गए, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हाँ और ट्रैक्टर होना चाहिए, तो यदि आप कलर्स में जाओगे और दोस्तों यहाँ से बॉडी कलर में इसका कलर हरा कर दोगे, या फिर हरा भी आया था ना ये एक टाइम के बाद, तो दोस्तों हरा भी हरा मॉडल भी आता है स्वराज का, तो कुछ इसकी ऐसी लुक हो जाएगी। और दोस्तों डीजे अपन जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों अपन को एक न्यू ट्रैक्टर की फीलिंग आएगी। बाकी आप यहाँ से रिम वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब के, जो मर्जी चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ ओके। तो दोस्तों ऐसा कुछ न्यू लुक अपन को देखने के लिए मिलेगी ओके। तो भाई लोग ये है कलर सेटिंग का यूज़ मेन। और दोस्तों जिनको भाई मतलब वाइट लाइट पसंद नहीं है, वो यहाँ से हेडलाइट का कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं। यदि आप रेड आइस करना चाहते हैं, तो दोस्तों रेड आइस देख सकते हैं स्वराज की, ठीक है, मतलब पूरा बल रहा है जैसे कि गुस्से आ रहा है रियल में, कुछ ऐसा रेड आइस कुछ भाइयों को पसंद है, कुछ स्मोक करा कर रखते हैं, तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो दोस्तों सबको अपनी अपनी पसंद होती भाई सबकी, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बाकी कस्टमाइज में जाएंगे। और एक चीज़, और दोस्तों एक चीज़ के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे भाई, 4x4 के ऊपर फुल डिटेल बताओ। तो दोस्तों यदि अपन को मतलब जैसे कि मैं इसको मतलब कहीं अड़ाता हूँ पीछे से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अपन यहाँ पर लेकर गए, यहाँ पर इस पर इस के स्टेज पर अड़ा देते हैं, ठीक है, रूटर पीछे से ऐसे अड़ा दिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देखो बैक टायर पीछे को जोर लगा रहे हैं, ठीक है, अपन को ऐसी जगह जोर की है ज़्यादा ज़रूरत, तो दोस्तों काम आता है 4x4 सिस्टम। हमेशा दोस्तों 4x4 सिस्टम पीछे को ज़्यादा काम आता है आगे के मुकाबले, क्योंकि आगे को जब ट्रैक्टर जोर लगाता है नहीं दबता, तो आगे से खड़ा हो जाता है रियल में भी गेम में भी, आपको पता ही होगा भाई इतना तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ओके। तो दोस्तों यहाँ से अपन वैसे यहाँ से अपन बढ़ाते हैं दोस्तों, जहाज वाले से अगले टायर है अपने 4x4, ठीक है, 4x4 टायर आ चुके हैं दोस्तों अपने पास।
लुक भी 4x4 वाली आ जाती। तो दोस्तों कलर इसे काफ़ी देर होगी कलर को, तो दोस्तों दूसरा और कलर कर लेते हैं कोई सा। तो अपन अब की बार करेंगे रेड कलर। तो दोस्तों रेड स्वराज की लुक देख सकते हैं, मतलब जो मर्जी चाहे वो कलर कर लो, ठीक है। अब जाते हैं दोस्तों कॉन्फिग सेटिंग में। यहाँ से दोस्तों अपन को RWD को करना है, AWD टॉर्क। यदि आप 4x4 यूज करना चाहते हैं सही तरीके से, तो टॉर्क 500 की जगह 5000 कर दो बिना किसी दिक्कत के, और दोस्तों सिमुलेटर की बजाय फन मोड स्टार्ट कर दो। ओके, अब देखो बैक में जोर 4x4 के देख सकते हैं दोस्तों, बैक में मतलब बैक टायर भी जोर लगा रहे हैं और ये भी जोर लगा रहे हैं पहले से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, पूरा तकड़ा तरीके से। ओके, इस टाइप से कुछ जोर ज़्यादा लगता है, और फ्रंट में लगाओगे तो दोस्तों फिर भी देखो खड़ा हो रहा है। और फन मोड का देखो ये है, मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू ट्रैक्टर, ये प्लेन नहीं चलता, इधर उधर को मटक मटक के चलता। तो दोस्तों ये है फन मोड के कुछ फायदे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो बताना। अब बात करते हैं दोस्तों फार्मिंग मोड वर्किंग स्टेटस के बारे में। तो बहुत ही जल्दी यार वर्क डन करके आप सभी को दिखाने वाले बहुत ही जल्द एक न्यू व्हीकल के दर्शन। और दोस्तों इतनी देर क्यों रही दर्शन दिखाने में, क्योंकि दोस्तों आप सभी को सरप्राइज पे सरप्राइज करने वाले हैं। तो टेंशन मतलब जो भाई पक्के फॉलोअर्स हैं और दोस्तों लगातार यार वीडियो देखता रहे तो भाई हिल जाओगे, टेंशन मतलब पक्की बात, लिख के ले लो। जैसे हर बार हिलाते हैं उसी टाइप से अब की बार तुम्हारा भाई तुमको हिला देगा, ठीक है। टेंशन मतलब बाय बाय टाटा, लव यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू खतरनाक वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा।